आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में बड़े पैमाने पर गैंगस्टरों की सांठगांठ के खिलाफ छापेमारी की। भारत और विदेशों में रह रहे आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ती सांठगांठ को खत्म करने और नष्ट करने के उद्देश्य से दिल्ली में 6 से अधिक जिलों में गैंगस्टरों से जुड़े आवासीय और अन्य परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। 4 अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए लगातार एक्शन मोड में है और लगातार छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? सोमवार 29 नवंबर को एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी संबंधित उनके गुर्गे हैं उनके ठिकानों पर दिल्ली, राजस्थान और यूपी, हरियाणा से लेकर सभी ठिकाने जो है उस पर छापेमारी की है। अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर महीने में यूपी और दिल्ली के कुल 52 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हम आपको बता दें कि जो लॉरेंस बिश्नोई गुट है, इसका जो सरगना लॉरेंस बिश्नोई है, वो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में पकड़ा गया था। पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ा था। इस समय लॉरेंस बिश्नोई अभी 10 दिनों की एनआईए की हिरासत में है। हम आपको बता दें कि एनआईए जो होती है वो टेरर फंडिंग से जुड़े मामले, आतंक से जुड़े मामले पे कार्रवाई करती है, जांच करती है और देश को सुरक्षित रखने का एक कार्य करती है। तो इस समय एनआईए की जो है वो एकदम एक्शन मोड में दिख रही है और कम से कम देश के 4 राज्यों में जो भी गैंगस्टर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गुट से या लॉरेंस बिश्नोई से संबंध रखते थे उनके ठिकानों पे जो है छापा मारा गया है और लॉरेंस बिश्नोई के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मयूरी जी, विवेक, लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या उनके साथी अभी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? क्या कुछ सामने आया है जिसके बाद छापेमारी की जा रही है? जी मेहरीन, मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में जब लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर दिया गया था, लॉरेंस बिश्नोई तब चर्चा में आया था जब उसने सलमान खान को गोली मारने की धमकी दी थी खुले तौर पे। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है ज़्यादा चर्चा में आ गया था। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में भी जी इसका नाम आया था। तो ये पंजाब पुलिस में लॉरेंस बिश्नोई कैद था, लेकिन पंजाब क्योंकि उसका गढ़ रहा है और पंजाब से ही वो अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता था, जब एनआईए की टीम जो है उससे पूछताछ के बाद ही वो देश के 4 बड़े राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ ठिकानों पे जो उसके गुर्गों के ठिकाने हैं, जो इनसे संबंधित लोगों के ठिकाने हैं, वहाँ पे कार्रवाई की, वहाँ पे छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस समय लॉरेंस बिश्नोई 10 दिनों की एनआईए की हिरासत में है। इन 10 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ होगी और भी मामले खुल सकते हैं कि देश और विदेश में इसके कहां कहां नेटवर्क है, कहां कहां टेरर फंडिंग की जा रही है और किन किन लोगों से इसकी सांठगांठ है। अभी पंजाब की बात करें तो खालिस्तानी समर्थक वहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, खालिस्तान जो है अपने आंदोलन को पंजाब में और तरीके से चला रहा है। तो इस प्रकार देखा जाता है लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तान से भी कोई नेटवर्क जुड़ सकता है, इसलिए एनआईए ने उसको अपनी हिरासत में लिया और 10 दिन की जो है ये पूछताछ भी करेगी। विवेक, एनआईए ने अभी तक देश के कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की है, क्या आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये जो 10 दिनों की रिमांड है लॉरेंस बिश्नोई की, इन 10 दिनों में उनसे काफ़ी पूछताछ होगी, काफ़ी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से और भी जगहों पे छापेमारी की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी है, तो हो सकता है कुछ तार वहाँ से भी जुड़ा हो। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पंजाब में खालिस्तान जो है अब ज़्यादा दखल दे रहा है, तो एनआईए की चिंता इस बात की है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई उनको खालिस्तान के समर्थकों के पास ले जाए जो कि अभी काफ़ी साजिश रच रहे हैं पंजाब में खालिस्तान के लिए। बाकी टेरर फंडिंग का कोई मामला हो गया, आगे की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला से संबंधित कुछ पूछताछ की जा सकती है और अभी और भी जगहों पे एनआईए जो है अपने हिसाब से छापेमारी कर सकती है। अभी 4 बड़े राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में कम से कम देश भर के कुल 20 ठिकानों और दिल्ली और यूपी के कुल 52 ठिकानों पे अक्टूबर माह से ही छापेमारी कर रही है और काफ़ी कुछ जो है एनआईए को अभी मिला हुआ है। लेकिन अब एनआईए जो है ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी सिर्फ इतना ही कर चुका है कि उसके पास लॉरेंस बिश्नोई 10 दिन के रिमांड में है, इन 10 दिन में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद से आगे कार्रवाई की जाएगी। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
ज्ञानवापी मस्जिद मां सिंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था, इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में अखिलेश यादव ओवैसी समेत कई लोगों पर केस दर्ज करने को लेकर भी आज सुनवाई होगी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के बाजूखाने में 16 मई को मिले शिवलिंग के पास हाथ पैर धोए जाने और थूकने एवं गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, ज्ञानवापी मामले में आज अहम फैसला आना है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दूं कि आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है ज्ञानवापी के मामले को लेकर, मां श्रृंगार गौरी पूजन को नियमित पूजन को लेकर के आज जो सुनवाई होनी है, उस ज्ञानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। और हो सकता है आज मामला इस पक्ष में आए, जो करोड़ों हिंदू सनातनियों का जो आस्था का भाव बना था, जो केंद्र बना था, हो सकता है उस पक्ष में फैसला आ सकता है, तो आज ये अहम सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी प्रकरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इंतजामिया कमेटी शहर काजी प्याज पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी आज सुनवाई की जा सकती है। जी रितेश, ज्ञानवापी मस्जिद में मां सिंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई होगी, तो क्या इस मामले पे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, हालांकि लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन आज जो सुनवाई होगी वो फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि मां सिंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर के आज जो सुनवाई होगी, आज कहीं ना कहीं फैसला अहम माना जा रहा है। और जो फैसला आ जाएगा वो ऐसा लगता है, तो हिंदू पक्ष के वकील है उनका ये कहना है कि जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के प्रति जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बना हुआ था उसके पक्ष में फैसला आज आ सकता है। रितेश, हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो परिसर के बाहर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए मयूरी, सुरक्षा के इंतजाम तो ऐसे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर ये व्यवस्था की गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो भी वहां व्यवस्थाएं सुरक्षा की है वो चाक चौबंद है। जो आज फैसला होगा वो अहम फैसला होगा, हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला जो मुद्दा कर पाया था उसको लेकर के आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। आज ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का फैसला आ रहा है, लेकिन जहां तक हिंदू पक्ष के वकील को अगर माने तो करोड़ों हिंदू के भावनाओं को जो आहत करने वाली चीजें वहां पर की गई थी उसको लेकर के आज बड़ा फैसला आने वाला है। रितेश, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में अखिलेश यादव और ओवैसी समेत कई लोगों पर केस दर्ज करने वाले को लेकर भी आज सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखो, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वहां पर हाथ पैर धोए जाने और थूकने, गंदा पानी बहाने वाले, इस तरह की असंख्य सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले को मामले को लेकर के और भड़काऊ भाषण को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी आज सुनवाई हो सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और विवादित बयान किया था, उस पर भी आज फैसला आ सकता है, मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। रितेश, जो सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मामले को लेकर कितने बजे होगी? देखिए, अभी जो ये जानकारी मिल रही है कि ये 1 बजे के आसपास का फैसला इस पर आ सकता है, और अभी आगे की जो जानकारी है अभी हमारी वहाँ पर संपर्क नहीं हो पाए, अभी ये जानकारी मिली कि आज 1 बजे के आसपास तक ये फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।